सिंगरौली बरगवा ठुरुआ पड़ली निवासी विनोद सिंह मृतक के दोस्त गोकुल पाठक ने लाठियों से पीट पीट कर हत्या कर दी। घटना का खुलासा करते हुए एसपी दीपक शुक्ला ने बताया कि करली निवासी उधर टोला मामूली बात को लेकर निर्मम हत्या की सूचना पुलिस पर टीआई नागेंद्र सिंह सदर बल मौके पर पहुंचकर शव का पंचनामा तैयार कर अन्य परीक्षण कराने उपरांत आरोपी गोकुल पाठक के विरुद्ध धारा 302 का मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि घटना के पूर्व में दोनों ने शराब भी पी थी। इसी के बीच विनोद ने गोकुल की बहन के बारे में अभद्र व अश्लील बात करने लगा, जिसके बाद आरोपी गोकुल ने लाठी डंडे से पीट पीट कर युवक की हत्या कर दी। सिंगरौली से ग्राउंड रिपोर्टर उपेंद्र दुबे की रिपोर्ट। हमें सूचना मिली थी कि थाना बरगवा के गाँव गिधेर कर्री के पास एक अज्ञात व्यक्ति की लाश पड़ी हुई है। जब हमारी पुलिस की पार्टी वहाँ पे पहुंची, हमने उसके आसपास के लोगों से पूछताछ करी तो पता लगा कि ये व्यक्ति जो है विनोद सिंह गोड, ये चौकी क्षेत्र गोरबी का रहने वाला था और ये एक अन्य व्यक्ति के साथ वहाँ पे आया हुआ था। देवसर गए थे ये लोग। जब हमने आसपास के और लोगों से पूछताछ करी तो ये पता लगा कि जो व्यक्ति इनके साथ में आया था उसी से इसकी कहा सुनी हुई है, उसी के साथ झगड़ा हुआ है और वो मार करके भागा है। हमने जब और आसपास के लोगों से पूछताछ की, पता लगाया, तो ये पता लगा कि जो व्यक्ति है ये गोकुल पाठक नाम का था। ये लोग साथ में सुबह निकले थे, इन्होंने शराब का सेवन किया, इनका कोर्ट में कुछ काम था वो इन्होंने किया और उसके बाद फिर से बैठ के ये शराब का सेवन कर रहे थे यहीं गिधेर कर्री गाँव में। किसी बात को लेकर इनमें कहा सुनी हुई है, आपस में पारिवारिक कुछ छीटाकसी कसी गई है एक दूसरे के द्वारा, जिस पर से विवाद हुआ। दोनों ही नशे में थे और उस पर से जो ये अपना आरोपी है गोकुल पाठक, इसने एक बांस के डंडे से उसके सर पे वार किया, 3-4 वार किए हैं और जिस पर से उसकी मृत्यु हुई है। आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ये कल ही हमारी गिरफ्त में आ गया था और इसे आज न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा।